देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। बिजनौर में थाना कोतवाली शहर के सिविल लाइन चौकी में एक तेज रफ्तार ट्रक शीरे से भरा अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक तड़के सुबह 3 बजे के आसपास नंदी स्वीट्स के सामने आकर पलट गया। रात का समय होने के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं इस घटना के बाद व्यापारियों में काफी नाराजगी है। इस घटना को लेकर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष मोनीश त्यागी ने बताया कि इससे पहले भी सिविल लाइन चौकी के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित शीरे से भरा ट्रक सुबह 3 बजे के आसपास पलट गया। इससे पहले भी यहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक पलट गया था। गनीमत रही कि यह हादसा रात के वक्त हुआ, नहीं तो कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। आपका मुझे मोनीश त्यागी कहते हैं, महामंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का। आज ट्रक पलटा है, कैसे पलटा है? ये 3:30 बजे के आसपास, ये अमूमन वैसे तो पुलिस का घपला होता है, ये रात में उधर से आया है, जल्दी में कहीं पैसे ना देने पड़े, इस वजह से ये तेज स्पीड में यहाँ पे होगा। और ये तीसरी चौथी घटना है। आज हम लोग बड़े अधिकारियों से मिलेंगे, सारा बाजार बंद कराएंगे और ये चौराहे यहाँ से हटवाने का जो बीच में लगा हुआ है, इसे हटवाने की आज हम लोग बात करेंगे। सामने पुलिस चौकी के पास इस हादसे के होने से पुलिस पर भी सवाल उठता है कि इन तेज रफ्तार ट्रक पर आखिर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही। हम इस तरह से होने वाले हादसे पर रोक लगाने के बाजार बंद करके प्रदर्शन करेंगे। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ जंग।